मैं हूँ रोनाल्डो, दिखाऊंगा कि तुम हमारे तीन गाड़ियाँ है, ये सर्वत उधर वाली ये सबसे सेक्सी गाड़ी है, ये बैठ रहा है, ये बकवास गाड़ी, ये भंगर गाड़ी भी हमारी है, तो हम जा रहे हैं अभी। ये देखिए मेरा ड्राइवर कितना अच्छा है, मैं भी चला सकता हूँ गाड़ी, लेकिन ड्राइवर किस लिए रखा है। चलो अब जाते हैं, चल चुके हैं अपनी राइड के लिए। और ये उड़ू नको बर गाड़ी, मोबाइल पड़ी मार पहले सांग करो। तो हम निकल चुके हैं गाड़ी पे, देखिए तीस का स्पीड है, ये खूबसूरती का नजारा, ये आपको संतोष सावंत की लड़की से भी अच्छी खूबसूरती है, क्योंकि इस पूरी जगह पे संतूर सेना है, इसलिए अभी भी ये वो नहीं दिखाने का, जो अच्छा है वो दिखाने का। ये देखिए सिक्योरिटी गार्ड भी है हमारे, की जगह पे था। ये देखिए कैमरा, ये कैमरा है, खूबसूरती का नज़ारा है, ये अपन को अप्रैल में मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छी जगह है। ये देखिए मेरे साथ ये तमाम पार्ट कॉल कर रहे हैं ना, माझा तर पडला नाही इतक्या वेळेला, पडतो का मला वाटलं, कारण की त्याचं प्लास्टिक तुटलेलं आहे, मला लक्ष ते येतो ना फेवरेट तुटले ते कुंत टाकतो ना, चिपकणार नाही। ओ ये देखिए खूबसूरती का नजारा, चालले की पाठ फॉरवर्ड करता येईल, खूबसूरती का नाम था। ये भी देखिए ये खूबसूरत गाड़ी है, R15 नया मॉडल, पुराना और पुराना है क्या, ज़रा ज़्यादा लंबा हो जाएंगे नहीं व्लॉग में, लग रहा है इसको देखना उसको देखेंगे बाकी के बाढ़ में। ये देखिए ये स्टार्ट कर रहा है आदमी, क्या करना क्या चाहते हैं बेटा ये, अगर आपकी गाड़ी में सनरूफ ना हो तो ऐसा सनरूफ आप बना सकते हो, ऐसे इंडिया से बाहर जाने नहीं चाहिए वैसे। देख रहे हमारी गाड़ी 28 स्पीड पे क्या हाल कर दिया, ऐसा लग रहा है कि साला गाड़ी अच्छी किसी को बलात्कार हो गया, होंडा सिविक सबसे पावरफुल गाड़ी है, नेट कॉल्ड एज होंडा, गाड़ी आपका आवाज ही नहीं आई थी, रिकॉर्ड करके। ये देखिए ये एवेंजर गाड़ी सबसे भारी गाड़ी, ये सबसे लेजेंडरी गाड़ी स्प्लेंडर। देखिए भाई ये हम पहुंच गए महावीर जयंती के इधर, पहले दर्शन कर, ट्रैफिक का चश्मा लगा।
लगाना है। जो अच्छाई देखता है वो महावीर का चश्मा लगाता है, और जो दुनिया का चश्मा लगाता है उसको लोगों में बुराई दिखती है। बैठ जाओ। हमने आपसे पूछा कि भगवान का बर्थडे तो गिफ्ट देनी चाहिए कि नहीं, कितने लोगों का माने देनी चाहिए, मुझसे बोल दो। आप लोग मोबाइल चलाते क्या है? चलाते हो? कितने लोग, अगर तुम्हें लगता है कि भगवान महावीर का बर्थडे है, उन्हें अगर गिफ्ट देनी चाहिए, तो याद रखना भगवान महावीर अहिंसा के पुजारी थे। उनकी सबसे बड़ी गिफ्ट होगी कि आप नियम से एक नियम कर लो कि एक का सिक्का प्रतिदिन गौशाला के लिए हम निकालेंगे, एक गाय की रक्षा के लिए निकालेंगे। याद रखना उनके बर्थडे की गिफ्ट हो जाएगी। तुम अपने बेटे के बर्थडे की गिफ्ट कोई देते हो जो बेटे को पसंद है, अपने पिता को बर्थडे में कोई गिफ्ट देते हो जो पिता को पसंद है। याद रखो हमारे महावीर परम पिता को, उनको जीवों की रक्षा पसंद है। तुम उनको कोई गिफ्ट दे दो वो तुम्हें अपना मानना स्वीकार कर लेंगे। जय। कितने बड़े भिखारी हैं आप। तो हम पहुंच गए अभी खाना खाने के लिए, भी कर रहे हैं हमारी इसमें, आप भी गौशाले में पहुंचेंगे। मेरा दोस्त और हम खाना खाने के लिए बैठे, से आए आज गए ब्लड डोनेशन के इधर। ओ सब ब्लड डोनेशन, ये देखिए मैं देने वाला हूँ फर्स्ट डोनेशन, वो नहीं डालना रहे। भाई 19-20 चलता है सब में। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन क्या हो गया, मैं गलती से संडे को डीमार्ट में आ गया। देखो ओ इधर कचरा जमा होता है साथ में, तेरे को अंदर का मैकेनिज्म ऐसा घूमता, इधर से डालने का आपको मालूम है क्या डालने का। ये देखिए डीमार्ट, ऑन द संडे वी आर इन डीमार्ट। ये देखिए इस बंदे ने क्या क्या लिया है, आपने ये क्यों लिया है। यहाँ पे हम आ चुके, ओ दोस्तों देखिए जीवन में बहुत सारे पल आते हैं, कुछ पल अच्छे होते हैं कुछ पल बुरे होते हैं। तो आज हमारे जीवन में बहुत अच्छा पल था कि हम आज सुबह इस गाड़ी पे, जो कि है अपनी प्यारी ड्यूक, पर अनफॉर्चुनेटली भी बहुत गरीब हो गए, इसलिए मैं सोचा कि इस गरीबी को और गरीब बनाया जाए। आज घूम रहे हम मीना कुमारी पे, ये हमारे दोस्त आज चलाने वाले मीना कुमारी, देखते एक किक में चालू होती है कि नहीं। और भाइयों ये गाड़ी ऐसी है वाला उल्लू का पट्टा, रुको ना भाइयों, गांड मस्ती मत कर रहे बाबा, गिर जाएंगे। मैं गाड़ी चला रहा हूँ आगे ही ध्यान करूँ भाइयों। वो लड़के वाला वीडियो देखा था मैंने, ऐसे ही तू देख रहा उधर, वो चाहिए वो तोड़ता नहीं डाल। देखो इसकी बकचोदी तो बंद नहीं हो रही, आप मेरी बकचोदी सुन लो। देखो भाइयों गाड़ी तो बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि पेट्रोल सुन के चलती है, इसमें पेट्रोल डलवाने की जरूरत नहीं, इसलिए अपन आज से यही गाड़ी यूज़ करेंगे। Oh.
हो गया है। ड्यूक तो पावरफुल है, आलीशान है, पर इस गाड़ी में आपको मिल रहा है नो इज्जत, नो पावर, नो परफॉर्मेंस, नथिंग नथिंग नथिंग, ओनली बेइज्जती। तेरे बाबा इस गाड़ी की तेरे क्या मालूम। ये देखिए 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 कैसा चला रहा है भाई, आगे का व्यू एंजॉय करो। देखिए मैं इधर से इतनी लूंगा समोर की गाड़ी, ये गाड़ी अब बिना पेट्रोल की कितनी दूर जाती है अब देखेंगे, इससे कंपेयर करेंगे ड्यूक से, वो चलती नहीं पेट्रोल से बेटा। देखिए भाई मालूम है ड्यूक चलती नहीं, ड्यूक क्योंकि भागती है, ऐसी गाड़ियां नहीं लेते हम चीजों चलते हैं। काम की वो गाड़ी तेरी। यह देखिए बगल ऐसा लग रहा है 10 की स्पीड पे जा रहा है, पर लग रहा है कि 100 की स्पीड पे जा रहा है क्योंकि हम इस गाड़ी पे बैठे हैं। देखो पेट्रोल की गाड़ी चला तो मैं कितनी दूर जाती है देखो, बिना पेट्रोल की गाड़ी। देखिए वो लोंडा अभी ओवरटेक, ये गाड़ी है ना भाइयों, ये गाड़ी इतनी स्लो है, इतनी स्लो है, इतनी स्लो है कि अगर अगर हम चालू करके स्लोप पे रेस लगाए तो हम जीत नहीं पाएंगे। तो अगर हमें उस बंदे से जीतना है तो हमें ये गाड़ी बंद करके स्लोप पे रेस लगानी पड़ेगी, तभी हम जीत पाएंगे, नहीं तो हम नीचे भी नहीं पहुंच पाएंगे आज तक। कैसा लगा भाइयों? बड़े नशे वालों को मिलता है, बट जिसको खुशी मिलती है उसकी जिंदगी ही गम से बन जाती है। मैं बुबा तेरी मोहब्बत में मुझे जीना सिखा दिया, तुझे गाड़ी चलाना नहीं आती तो मैं गाड़ी चलाना सीख गया, तुझे खाना बनाना नहीं आता था मैं खाना बनाना सीख गया, जो मुझे जो देखो नहीं आता था मैंने सब कुछ सीख गया, पर तूने ऐसा सिला दिया कि तू मेरे को चूतिया बनाना ही, तू मेरे को चूतिया बना के ही सिखा के चली गई। जालिम में जिंदगी नहीं, जालिम तो ये जमाना है, जिसको ये जमाने के साथ चलना नहीं आया वो अपनी माँ की गोद में रोया है, जिसने पकड़ा है इसका साथ वो अपनी महबूबा का पकड़ के चल रहा है हाथ, फिर भी उसकी जिंदगी नहीं चल रही सीधी क्योंकि उसकी माँ नहीं है उसके साथ, इसलिए मैं अब सोना चाहता हूँ। इलाका बहुत बेरहम है, मौसम का कोई भरोसा नहीं है और इन बीहड़ों में मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं मिला, लेकिन बिल्कुल बेसिक टेक्निक का इस्तेमाल करके मैंने आपको दिखाया कि यहाँ सर्वाइव करना मुमकिन है।